राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको याद दिलाना चाहता हूं महाभारत की वो सभा जहां पर बड़े योद्धा बैठे थे और फिर उसी सभा में द्रौपदी को दुशासन बाल खींचकर लेके आता है और फिर द्रौपदी का चीरहरण होता है। द्रौपदी पुकारती है पांडवों को, लेकिन पांडव कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत से वीर होते हैं उस सभा में। द्रौपदी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। फिर वो कृष्ण को पुकारती है, वो श्री कृष्ण को पुकारती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण आते नहीं है। श्री कृष्ण आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि द्रौपदी ने समर्पण उस समय नहीं किया था। समर्पण नहीं किया था क्योंकि उसने अपने कपड़े को ऐसे बांध के रखा था, लाजवश, लज्जावश उसने अपने कपड़ों को ऐसे बांध के रखा था, समेटे रखा था अपने हाथों में। और वो श्री कृष्ण पुकार रही थी, लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं आए तो उसको समझ में आ गया कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि ये जो दुशासन है उसको मैं रोक सकती हूं। तो आज क्यों नहीं मैं अपने आप को समर्पित ही कर देती हूं, अपने हाथ ही खड़े कर देती हूं और ये पुकारती हूं उस श्री कृष्णा को, और फिर देखती हूं कि मेरे चित्त की पुकार उसके मन तक पहुंचती या नहीं पहुंचती। और द्रौपदी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, और फिर श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण आते हैं क्यों? क्योंकि पहले द्रौपदी को लगा कि शायद मैं अपने आप को बचा सकती हूं, इसलिए उसने अपने आप को रोक के रखा, अपने हाथों को रोक के रखा अपने वस्त्रों पर। लेकिन जब उसको ये एहसास हो गया वो कुछ नहीं कर सकती, तो उसने हाथ खड़े कर दिए और फिर श्री कृष्ण आ गया उसकी रक्षा के लिए, उसकी लाज के लिए। ये द्वापर युग था, वो महाभारत था। लेकिन आज इस कलयुग में कुछ ऐसा होता है कि आप जिसकी रक्षा करते हैं वही भक्षक बन जाता है आपके लिए। आप जिसकी रक्षा करते हैं, जिसको प्रेम देते हैं, वही भक्षक बन जाता है आपके लिए। वो ये नहीं सोचता कि जिस इंसान ने मुझे कपड़े पहनाए मैं उसी के कपड़े उतारूं, फिर वो ये नहीं सोचता। ये मर्यादा नहीं है आज के इस युग में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने हमेशा लाज रखी है उन लोगों की जिन्होंने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया, हवाले कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाज के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपकी इंटीग्रिटी के लिए वो खड़ा नहीं होगा आपके लिए, आपके साथ में? ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये जरूर कहता हूं जिस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और पता नहीं कितनों की लाज रखी, 2022 में वही साक्षात उस सत्य की लाज को रखने वाला है। वो तलवार किसी को दिखाई नहीं देगी, जो तलवार चलने वाली है, लेकिन वही चलाएगा उस तलवार को। और हर दुशासन, हर दुर्योधन जो सत्य के कपड़े उतारने की सोचता है उन्हें नगन होना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि सत्य इतने कमजोर नहीं है जो पाप के हाथों से उसका चीरहरण हो सके। मेरी इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, जिसने भी सत्य का चीरहरण किया है अब उसकी बारी है, उस झूठ की बारी है, उस असत्य की बारी है, क्योंकि उनके कपड़े अब उतरने वाले हैं। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्णा।